तो किसका क्या क्या नाम है वो भी बता दो। मेरा नाम है अश्रिता तो नाम है निकिता पाटला। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गुड़ी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, हम लोग भी अच्छे ही हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी तो 12 बज चुका है और मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ। मेरे दोस्त लोग तो पहुँच चुके हैं, मैं तो घर का काम कर रही थी इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। जल्दी ही उठी थी फिर भी लेट हो गया। घर वगैरह पूरा समेटना था, पोछा वगैरह वो सब हो गया है, सिर्फ कपड़ा नहीं धोई हूँ, वो आके धोऊंगी। अभी तो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ और शादी के बाद मेरा आज पहला दिन है कॉलेज में। और मेरे किशन जी तो अभी भी फ़ोन में खेल रहे हैं, ये देखिए। और दिन भर यही रूम पे ही रहेंगे क्योंकि इनका तो छुट्टी है अभी, 20 तारीख तक आई थिंक छुट्टी है, तो उसके बाद ही ये जाएंगे। तो अभी वीडियो वगैरह मिला है वो सब अभी थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करेंगे, तब तक मैं जा रही हूँ। दीजिए मेरा बैग उधर से, मेरा कॉपी वगैरह डाल दिए हैं मेरे किशन जी, तो चलिए कॉलेज। इतना हल्का लग रहा है, सारा कॉपी डाले ईदा कॉपी क्या है, नहीं डाले हमको, लगे डाल दिए, ये खाली छांट के रखी वही। मैं बोली मेरा बैग खाली कैसे है, मैं इनको बोली थी डालने, डालिए इधर छांटे हैं, उसको पेन नहीं मिला और हाँ उसको डाल दीजिए बस उतना ही। बहुत लेट हो चुका है, अगर आज कॉलेज नहीं भी जाऊंगी तो मैं बुक खरीद करके आती हूँ सेमेस्टर 3 का, क्योंकि उसका भी फरवरी में शायद एग्जाम हो जाएगा या तो फिर जनवरी लास्ट में ऐसे, तो मैं कम से कम बुक भी खरीद करके आ जाऊंगी या तो फिर मेरे दोस्तों से मिल लूँगी और नोट वगैरह ले लूँगी अगर क्लास नहीं घुस पाऊँगी तो, क्योंकि मैम लोग तो अभी तक आ गई होगी। थोड़ा सा लेट हूँ मैं, 11:30 बजे का टाइमिंग था और 12 बज चुका है तो निकल रही हूँ अभी फिलहाल। तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, बस इतना ही नर्वस हूँ क्योंकि मांग में सिंदूर है और टीका मेरा लाल है, इसलिए आज ऐसा लग रहा है, आदत नहीं है इसलिए करना पड़ेगा, शादी का निशानी है तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। पूरी नाश्ते में था ये देखिए आधा, तो मैं छोड़ के जा रही हूँ, थोड़ा बहुत खा ली मैं, जा रहे ना बाय। कहाँ बाय? अब पैसे दो देखो तो दे पैसा, 1 रुपया नहीं मेरे पास पैसा, ऐसे ही निकाले। ए भगवान, ये फटा हुआ पैसा हम क्या करेंगे, देखिए मुझे फटा हुआ पैसा मिल रहा है। ये नई लिफाफे में था, हमारे मेहमान लोग ही डाले होंगे तो ये चिरका हुआ। ये सब पेट्रोल पंप में हम लोग ट्राई किए, नहीं ले रहा है कोई भी, तो इसको हम लोग डाल देंगे बैंक में। लीजिए रख दीजिए, हमको दूसरा और पैसे दीजिए जल्दी कीजिए, दाम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। ठीक, थैंक यू। तो गाइस मुझे पहला दिन कॉलेज जा रही हूँ, इतना पैसा मिला है, जा रही हूँ बुक वगैरह खरीदना है इसीलिए। अब बोलो किसका किसका क्या क्या नाम है वो भी बता दो। मेरा नाम है अश्रिता तो नाम है निकिता पाटला। और मेरा नाम है बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, खुशी मिला। चैनल का नाम बता, मेरा चैनल का नाम है पूनम बरला। ओके, पूनम बरला, आप लोग सर्च कर लीजिएगा जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग, और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तो कॉलेज आए हुए हैं, ज़्यादा तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगी, थोड़ा हमको अजीब सा लगता है, बहुत शर्म लगता है हमको, और क्लास भी नहीं गई हूँ, गई थी गेट के पास, मैम का आवाज़ सुनी और लौट गई। तो अभी दोस्त लोग का वेट कर रहे हैं, नोट लेना है क्योंकि मेरा तो बहुत लंबा छुट्टी है तो इसकी वजह से ढेर कवर करना है इसीलिए। तो थैंक यू मिलने के लिए, वेलकम। गई मिलेगी तो वेट करने आना, हम नहीं पहचानेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू ना, थैंक यू आपको भी, वेलकम। सब्सक्राइबर है, थैंक यू। तो किस में कौन डिपार्टमेंट है? हिस्ट्री। आप अचल ठीक है, क्या नाम? प्रीति। हाँ इसका भी है, ये मेरे खास दोस्त है ना, प्रीति आंसर। आप कौन से मुंडारी? अच्छा मुंडारी, मेरा भी खास सब्जेक्ट इसमें बी ए में, वो इलेक्टिव पेपर में ग्रेजुएशन। अभी मतलब कि उसका फाइनल रिजल्ट आएगा क्या हम लोग का? अभी नहीं आया, एक तो आ चुका है और आएगा, आएगा और एक फाइनल वाला आएगा, नहीं एक आएगा उसमें नंबर चढ़ा रहेगा। अच्छा ये हम लोग पेपर दिए हैं उसका। इसमें कौन डिपार्टमेंट बोले? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। कौन से कौन से सेमेस्टर? हम लोग अभी थ्री में, थर्ड सर। ये तो मैडम लगा दिया,
मैडम लोग अभी आ रही है। हाँ, दो चली गई, दो मैडम लोग अभी आ ही रही। तो दिल्ली आती थी? हम तो आज आ रहे हैं, बहुत दिन से, उससे पहले क्लास किए हम आज ही सोच रहे थे, आज लोग नहीं आ रहे, सोच रहे थे हम कल शाम में आए हैं यहाँ से, उसके बाद में फिर आज से सोचे आएंगे, आज से आप जितना किए ना कोई नहीं किया है ना, इतना आप आगे बढ़े, जैसे भी हो अपना जो भी टैलेंट किया है ना, अच्छी बात है ना। गाँव का बच्चा तो संघर्ष कर भी आगे बढ़ता है ना, आप अभी पहला नहीं है, हम लोग का बहुत ऐसा, हम लोग का बहुत संघर्ष किया, जैसा आप किया ना, आप देखे यहाँ पर बहुत संघर्ष किया, ठीक है, संघर्ष से घबराना नहीं है ना, ठीक है ना। कॉलेज से घर वापस आते समय में और प्रीति हिन्नू के कमला स्वीट्स में घुस गए और यहाँ देख सकते हैं यहाँ लग रसगुल्ला एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं तुम ब्लॉगिंग करेंगे, नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा हो गया ना मीठा, ज़्यादा मतलब मीठा लग रहा है बहुत ज़्यादा। क्या मिला बाबू तुमको बर्थडे में, क्या मिला? कल तो हम भुला गए रे, कल हम लोग चर्च गए थे फिर भूल गए, तुम नहीं फोन किया, गांव वाला चर्च, हम लोग भी चर्च गए थे वहाँ, एगो पिंकी नाम की लड़की है, उसका भी बर्थडे था, तो साथे साथे गुड मॉर्निंग, आज मैं फिर से कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और बहुत लेट से मैं अब भी तैयार हुई हूँ क्योंकि ढेर सारा कपड़ा धोना था, तो मैं धो रही थी, मेरा और मेरे किशन जी का, हम लोग गाँव से आए हैं ना, ढेर सारा कपड़ा लेके आए हैं धोने के लिए और रोज दिन में थोड़ा थोड़ा करके धोती हूँ, कल भी धोई थी, आज खत्म हो गया, लेकिन धोना वॉन्डर के अंदर में बहुत सारा कपड़ा पसरा हुआ है हम लोग का, तो बहुत ही ज़्यादा कपड़ा था तो धोई और बहुत लेट हो गया, फिर भी मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि मुझे बुक लेना है, दुकान में मैं एडवांस पैसा 500 दे के आई हूँ, सेमेस्टर 3 के लिए किताब खरीदना है, क्लास तो शुरू हो चुका है, प्रीति को मैं कॉल की थी, वो लोग तो क्लास कर रही है पर मैं क्या करूँगा, इस रोज दिन मेरा लेट हो जाता है, जल्दी उठती हूँ फिर भी काम मेरा खत्म ही नहीं होता है। मेरी मंजली दीदी और मेरी बहन आई थी रिम्स से, फुआ को एडमिट किया गया है फिर से, 1 महीने का छुट्टी दिया गया था और वो कंप्लीट हुआ, दवा भी पूरा खत्म हो गया, तो फिर से फुआ को रिम्स में एडमिट किया गया है, तो दीदी लोग रिम्स से यहाँ रात में सोने के लिए आती है फिर मॉर्निंग में जाती है, फिलहाल तो जल्दी से बाल बना लेती हूँ, जैसे भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और निकलती हूँ कॉलेज के लिए, और मेरे किशन जी तो फोन में लगे हुए हैं, हमको थोड़ा सा भी नहीं मदद किए, बताइए कपड़ा पसारने तक नहीं मदद किए, कल शाम में मदद किए थे और अभी मॉर्निंग में बताइए, जबकि जा रहे कॉलेज जाना है तो कपड़ा तक नहीं पसार दे रहे, कहाँ सुखा है, सुखल कपड़ा अंदर कीजिए, पलटी किए देखिए ना, कपड़ा पलटी किए थे बोल रहे हैं, और अभी भी सूखा हुआ कपड़ा कहे नहीं ला रहे, मेरा साड़ी वगैरह है, अच्छा जाइए लेके आइए हम निकल रहे हैं, तो गाइस निकलते हैं जल्दी से, फिर आप लोगों से मिलेंगे, देखते हैं कॉलेज से वापस आने के बाद में, या तो फिर कॉलेज में अगर ऐसा मौका मिलता है तो मिलेंगे आप लोग से, ओके गाइस मैं कॉलेज से वापस घर आ चुकी हूँ और क्लास बिल्कुल भी नहीं की हूँ, सिर्फ मैं गई थी आज डांस सीखने के लिए, लेट हो गया तो मेरा कॉलेज जाने तक तो क्लास ओवर हो गया था, तो हम लोग यूथ फेस्टिवल के लिए कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, बस वही करके आई हूँ, और इधर आज आंचल को मैं अपने रूम पर लेके आई हूँ क्योंकि आंचल मेरा रूम नहीं देखी है, घर तो देख ली मेरा और दोनों ससुराल गांव भी देख ली है, प्रीति एक जगह नहीं देखी है, कुदासुद नहीं देखी है, बिंगबुरु केवल देखी है, तो आंचल को तो लोग दिन ले गई थी तो ये तो देख चुकी है दोनों जगह, आ जाएगी मेरे रास्ता देखी है ना, तो रास्ता तो किसी को याद नहीं ही रहेगा सर, थोड़ा दूर दूर है इसकी वजह से, कपड़ा वगैरह पूरा फैला हुआ है बेड में क्योंकि सब धोए थे बहुत ज्यादा, तो सूखा पड़ा हुआ है, तो इसको अभी फोल्ड करेंगे और डालेंगे इधर कबर्ड में, और मेरे किशन जी इतना जोर आवाज कर रहे हैं क्योंकि उनको मैं बोली थी रेक बनाने के लिए, गिलास वगैरह कप वगैरह रखने के लिए, गजब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, पानी में गर्म करने चढ़ाई थी और बहुत ज्यादा ही गर्म हो गया है, गर्म पानी पिएगी रे, जोर से हीट हो गया है, आप समोसा खाइएगी ब्रेड चॉप, अच्छा तुम ब्रेड चॉप बोले थे लो खाओ, कहा रेट उठ ही नहीं रहा है, सब्जी मस्त बना है, सभी रात के बज रहे 10:30 और मैं ना ब्लॉग एंड करने भूल गई थी, कल से ब्लॉगिंग शुरू की हूँ एंड बिल्कुल भी नहीं की हूँ, खाना वगैरह खा लिए हैं और यहाँ पर ही आंचल सो गई है और मेरी दीदी लोग रिम्स से आई हुई है, वो लोग भी खाना वगैरह खा ली है और नीचे पर सो गई है, रुकिए आप लोगों को बैक कैमरा दिखाती हूँ, मुझे सुबह मार पड़ने वाला है अगर वो लोग वीडियो देखेंगे तो, मेरी बहन और उधर दीदी नीचे पर सोई हुई है
और यहाँ आंचल यहाँ मैं, इधर मेरे किशन जी ऐसे सो रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है तो इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है। एक्चुअली आंचल गांव जाने वाली थी पर ना हम लोग कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वैसा प्रैक्टिस करते करते आंचल का ट्रेन छूट गया है। वो इटकी से आती है, ट्रेन से आना जाना करती है तो ट्रेन तो छूट गया, तो अब क्या से जाएगी। तो इसीलिए मैं बोली कि चलो आज मेरे रूम में रह लो और वहीं से कल हम दोनों को ले जाएंगे, ऐसा मैं बोली। प्रीति भी ले जाना चाह रही थी आंचल को कि मैं ले जाऊंगी, तो मैं बोली प्रीति को कि तुम तो ले गई थी आंचल को अपने घर और मेहमान रखी थी, मेरा रूम नहीं देखी है आंचल, तो आंचल को इस बार मेरे घर रहने दो, तो फिर मैं लेके आई हूँ आंचल को। फिलहाल 10:30 बज चुका है तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। वैसे ही पर ये ब्लॉग वीडियो एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन बाय एवरीवन। मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है फिर भी मैं उठ करके ब्लॉगिंग एंड कर रही हूँ। अगेन बाय।